अच्छा यही तरीका है कपड़ा निकालने का, कहाँ रोड पर कि ग्राउंड पर? कितना राउंड? 10 राउंड। तो देखो ये अपने भाई 10 राउंड भागेंगे लोग। जय सिंह भाई, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। जितने भाइयों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है ना, तो फिर सोचना क्या यार, आज के ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना। देखो काफ़ी दिनों से कुछ भाई कमेंट भी कर रहे थे कि नीलेश भाई प्रेजेंट टाइम में आपके ग्राउंड पर कितने लोग आ रहे हैं और किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो अभी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अभी देखो मैं घर पर हूँ, पहले छाती पालते हैं और उधर रहा। देखो अपना R15 भी चेंज हो चुका है, क्योंकि वो वाला R15 थोड़ा ख़राब हो चुका है, इसलिए पहले छाती पालते हैं उसके बाद से ग्राउंड पर चलते हैं। देखो अभी जो नोटिफिकेशन निकल रहा है ना, बहुत सारा नोटिफिकेशन निकल रहा है। बताया जा रहा है कि अगस्त से दिसंबर के बीच में इंडियन आर्मी की भर्ती करा दी जाएगी। तो इस बात को लेकर मतलब ज़्यादा लोग तो नहीं आ रहे हैं, थोड़े बहुत आ रहे हैं लेकिन दौड़ रहे हैं सब, ठीक है ना। बीच में तो साफ बंद कर दिए थे, लोगों का काम तो हो गया, अभी ये लोग लगी रहेंगी, ठीक है ना। देखो तभी भी ये नाराज है। अरे इधर देखो अपना छोटा भाई चवन्नी मुस्की मार रहा है, जो कि काफ़ी दुबला पतला है, आराम से कुर्सी उर्सी लगा कर बैठा हुआ है। और ये रहा अपना R15 भी चेंज हो चुका है, इसमें अपना नेकर वोकर रख चुका हूँ। तो चलते हैं ग्राउंड पर, ठीक है ना। देखो अपनी गाँव के सड़कें तो बन गई हैं यार, बिल्कुल चकाचक हो गई हैं। तो काफ़ी आनंद मिल रहा है, मन कर रहा है कि अपना R15 उड़ा दूँ। देखो ये रहा अपना सुंदर सा गांव। तो अभी गांव को पार करते हैं, ठीक है ना, नहीं तो गांव में लोग बोलेंगे क्या कर रहा है। देखो ये जो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो पूरा का पूरा बन गया है। अपने गांव का दृश्य देखो भाई, गांव में सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं। फिलहाल गांव पार कर चुके हैं भाई, देखो गांव की सड़कें बन गई हैं, तो मज़ा आ रहा है अपना R15 चलाने में। अभी देखो अपना पहलवान भाई यहां पर इंतज़ार कर रहा है, तो देखते हैं, काफ़ी देरी से फ़ोन भी कर रहा था। और पहलवान, अरे यार ये तो लोग एक्सीडेंट कर देंगे, क्या हाल चाल है? देखो हमारी गांव की सड़कें बन गई हैं, काफ़ी आनंद मिल रहा है। बहुत जल्दी आया हूँ ना, दस मिनट लेट हो गया है, ब्लॉग बना रहा था यार। चलो चला से आ जाओ, पहलवान भाई मिल चुका है। और देखो ये तो हमेशा ग्राउंड पर जाता है, अब इसकी बात ना करें तो ही ठीक रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको अपने बॉडी, अरे बाप, अब लोग तो गिर गए होते यार, हमारा साइकिल ये वाला थोड़ा डैमेज है, ठीक है ना। तो हम कहाँ पर थे, हाँ ये पहलवान भाई हमेशा ग्राउंड पर जाता है। और ये वाला जो समय चल रहा है ना, इस समय यार मैं क्या बताऊँ, पूरा रोड भी जाम हो जाता था, ग्राउंड भी जाम हो जाता था, इतने लड़के आते थे सब। इसी समय बारिश होता है ना, जब बारिश ग्राउंड पर होता था तो लोग रोड पर दौड़ने लगते थे। और आज अभी आप लोग देखना, ठीक है ना, अभी चलते हैं ग्राउंड पर। वो रास्ते में दूर दूर कोई नहीं दिख रहा है, ये बाबा अपना सोन पापड़ उन पापड़ लेकर जा रहे हैं। और देखो दूर दूर तक पूरा का पूरा सुनसान एरिया है। देखो सूरज ढल रहा है और अभी हम लोग ग्राउंड के पास आ चुके हैं। ये ऐसा समय है ना, इसी समय सभी लोग अपना पसीना बहाते थे, लेकिन अभी आज आप लोग देखना इस टाइम कितने लोग आ रहे हैं। ये रहा अपना हरा भरा ग्राउंड। और उधर डायरेक्ट चलते हैं उन भाइयों के पास जो लोग अभी कपड़ा निकाले हैं दौड़ने के लिए। देखो हमारे ग्राउंड पर कितनी साइकिल आई है, आप लोग खुद देखो। अरे यार हमारी साइकिल तो बहुत ही भयंकर है। देखो इधर अपने भाई लोग अपना अपना कपड़ा निकाल रहे हैं, बस तीन ही लोग। अरे भैया सिर्फ 3 लोग आए हैं। अच्छा यही तरीका है कपड़ा निकालने का, कहाँ रोड पर कि ग्राउंड पर? कितना राउंड? 10 राउंड। तो देखो ये अपने भाई 10 राउंड भागेंगे लोग। अभी भर्ती का तो कुछ पता ठिकाना नहीं है, वैसे भाग रहे हो। देखो सब लोग वैसे भाग रहे हैं, अभी भर्ती का कोई पता ठिकाना नहीं, यहाँ बस 2-3 लोग आए हैं, ठीक है ना। ये रही हालात। वो ये दादी माँ हमारे ग्राउंड पर पूरा का पूरा घास साफ कर रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, ठीक है ना। पहले पता है क्या हुआ करता था, जब हमारा ग्राउंड पर घास बहुत ज़्यादा हो जाता था तो हम लोग कुदाल से साफ करते थे, नहीं तो घास जैसे इसमें दवा डाल देते थे। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हम लोगों को मदद मिला है और इनका घास भी हो जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन दुख इस बात का है ना, ये पूरा का पूरा ग्राउंड जैसे खाली है, उधर सूर्य भगवान उगे हुए हैं और इधर बस 3-4 लोग मेहनत मार रहे हैं। और एक समय ऐसा हुआ करता था कि यही सूर्य भगवान वहाँ पर उगे रहते थे, ठीक है ना, और यहाँ पर इतना सारा भीड़ लगता था, देखने में भी मज़ा आता था और तैयारी करने में भी मज़ा आता था। और अभी देखो अभी कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है।
इतना सारा न्यूज़ सुनने के बाद भी आज पूरा ग्राउंड खाली है। यहाँ बस 10 से 15 लोग आ रहे हैं और इसका जिम्मेदार सरकार है, ठीक है ना। पहले इंडियन आर्मी का एक छोटा सा नोटिफिकेशन आ जाता था तो ग्राउंड पर दौड़ने के लिए जगह नहीं मिलता था, और आज देखो ग्राउंड पर कोई नहीं आ रहा है भाई, बस 10 से 15 लोग आ रहे हैं और उसमें से कुछ लोग रनिंग कर रहे हैं और कुछ लोग वैसे घर चले जा रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार सिर्फ सरकार है। हमारे घर से कुछ दूरी पर एक कोचिंग सेंटर खुला है और उस कोचिंग सेंटर से जैसे कोई भी भर्ती आती है ना, चाहे एसएससी जीडी की हो, चाहे आसाम राइफल की हो, चाहे किसी स्टेट की पुलिस की भर्ती हो, उसमें से जो 2-3 साल पढ़ लेता है पक्का कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो भाई अब ग्राउंड छोड़कर कोचिंग पकड़ रहे हैं सब, और जो लोग कोचिंग पकड़ ले रहे हैं सब ना, वो लोग कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले ले रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि ये भी रीज़न है, और बहुत सारा मजाक बन चुका है इंडियन आर्मी का, तो वो भी रीज़न हो सकता है, ठीक है ना। और जो कुछ भी है मैं आप लोग को सारी चीज़ें दिखाया ही हूँ। अब देखो आप लोग अपने हिसाब से तैयारी करना, नेक्स्ट ब्लॉग का आप लोग इंतज़ार करना, क्योंकि अगला ब्लॉग जो आने वाला है ना वो मैं आप लोगों को पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। जितने लोग ग्राउंड पर दिखते थे वो लोग कोचिंग सेंटर में दिखेंगे, आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, जय हिंद। बाकी यार जितने लोग तन मन धन से इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो वो लोग तो बिल्कुल भी ग्राउंड पर आना नहीं छोड़ना। देखो जैसे ये है, ये भी नहीं आ रहा था, इसको फ़ोन करके बुलाया हूँ। देखो इसकी आँख लाल लाल हो गई होंगी क्योंकि ये सोया था, बोला क्या करूँगा दौड़ कर, तो बस घर सो रहा है, ठीक है ना। तो ग्राउंड पर आओ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, नहीं तो भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे, इंडियन आर्मी आपके दिमाग में रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा बहुत आया करो। चलो ठीक है भाई, जय हिंद।